स्मिथ एंड आई एम आदित। आज हम लोग आपको इजली लीफ का इम्प्रेशन इजली निकालना सिखाएंगे। ये हम लोग ने हिबिस्कस का लीफ लिया है और अब हम लोग इसका इम्प्रेशन लेंगे। अगर आपको जिस पेज पे आपको किसी लीफ का इम्प्रेशन लेना है तो आपको वो लीफ उस पेज के नीचे साइड पे रख देना है। ये हम लोग ने रखा है यहाँ पे और अब हम लोग इसका इम्प्रेशन लेंगे। आप इसे पेंसिल से भी कर सकते हैं पर क्लियर इम्प्रेशन निकालने के लिए हम लोगों ने पेंसिल कलर का इस्तेमाल किया है। तो अब यहाँ पे इम्प्रेशन निकालना शुरू हो गया है, आप देख सकते हैं। हम लोग ने यहाँ पे थोड़ा सा और डार्क किया, इसलिए आप देख सकते हैं ये वेंस और डार्क में इसका प्रिंट निकल रहा है। आप देख सकते हैं हम लोग ने और डार्क इसे किया है तो यहाँ पे क्लियरली इसका इम्प्रेशन निकल रहा है, दिख रहा है। अब मैं आपको इसके पार्ट्स बताऊंगा। यहाँ सबसे पहले यहाँ पे है पेटियोल और इस पोर्शन को हम लोग लेमिना कहेंगे। ये बीच वाली जो है इसे हम लोग मिडवेन कहेंगे और जो साइड में जो जाली टाइप में जो निकला है इसे हम लोग वेंस कहेंगे। उसके बाद हम लोग ये लीफ हटाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक क्लियर इम्प्रेशन बन गया है। इसी तरह हम लोगों ने एक मैंगो का लीफ लिया है और इसको हम पेज पहले रखेंगे, फिर उसके बाद इसके ऊपर से पेज रखेंगे, फिर उसके बाद इसको हम कलर करेंगे। आप पेन और लीफ रखने के बाद हम इसको फिर इसके ऊपर से इसको अच्छे से प्रेस कर लेंगे ताकि ये मुड़े ना, और इसको बहुत ही हल्के हाथ से कलर करेंगे क्योंकि ज़्यादा डार्क करने से ये पेज भी फट सकता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसमें हल्के हल्के देखिए इसमें लाइन्स आने लगे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं अब इसमें देखिए इसका वेन मिड वेन इसका देखिए दिखने लगा है। ये देखिए शेप में आ गया है। आप चाहे तो इसको दूसरे कलर से भी कलर सकते हैं। अब मैं आपको इसके पार्ट्स बताऊंगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं मिड वेन है, यहाँ पे वेन और यहाँ किनारे वाले, यहाँ इस पोर्शन में लेमिना है। और इस एक्टिविटी के थ्रू आप किसी भी लीफ का इम्प्रेशन ले सकते हैं और किसी भी लीफ की स्टडी करने में आपको बहुत ही आसानी होगी। थैंक यू आई होप यू।